नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कल महूगंज में विकास यात्रा के दौरान नगर परिषद के सीएमओ महेश पटेल द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते जिला मंत्री भाजपा महेश चंद्र लाल ही ने मंच पर जाकर विधायक के सामने अपना इस्तीफा दे दिया। आइए जोड़ते हैं सीधे आप नेता उमेश त्रिपाठी से, जिन्होंने क्या कुछ कहा। आज की प्रेस वार्ता आपके द्वारा की जा रही है, क्या बिंदु है इस प्रेस वार्ता में? देखिए, कल हमारे महूगंज में के ही ब्राह्मण समाज के और सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बताया गया और भाजपा के विकास यात्रा के मंच से बताया गया, और वो भाजपा के जिला के महामंत्री हैं, महूगंज कॉलेज के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं और ब्राह्मणों का में उनका एक सम्मान है। उनको माँ बहन की गाली सीएमओ के द्वारा जिस तरह से दी गई और सबको संगठन सामूहिक रूप से बोला गया, तो ये उसी के खिलाफ है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ विधायक जी को या उनके शागिर्दों को कि ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी जो हुई है, इसमें विधायक जी कहीं ना कहीं आपका हाथ है और आपका इस पे योगदान है। इसके पहले भी आप जो है तो इस तरह के कृत्यों के लिए जाने जाते रहे, आपका पुराना रिकॉर्ड जो है इस तरह के कृत्यों से भरा पड़ा है, चाहे मलाई गवा का हो, जब आप बीएसपी में थे तब भी आपने ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं, इवन हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया और उन पे जो है तो कुछ नरपिशाच जैसी कृत्य आप किए हैं, ये करना महूगंज की धरती पे आप बंद कर दें। और हम पहली मांग तो यह है कि महूगंज सीएमओ के ऊपर FIR कराएंगे। महूगंज के सीएमओ के ऊपर जब तक FIR नहीं होगी तब तक हमारा कल से आंदोलन चालू होगा, तो वो बंद नहीं होगा। और महूगंज सीएमओ को महेश पटेल को तत्काल यहाँ से यदि नहीं हटाते प्रदीप पटेल जी, तो प्रदीप पटेल जी का अगला कार्यक्रम जहाँ होगा वहाँ उनको काला झंडा दिखाया जाएगा, उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये हम सीधा सीधा है, ये मेरा कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ, मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं यदि मैदान में कूदा हूँ तो नपुंसक नहीं हूँ, मैं गर्त में मिला दूंगा यदि इस तरह की टिप्पणी कोई करेगा। यदि सीएमओ महेश पटेल के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या अग्रिम कदम होगा आपका? कल हम एसपी और कलेक्टर के नाम से ज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे कि शांतिपूर्ण यदि हम कर रहे हैं तो आप महूगंज की शांति चाहते हैं तो इनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाएं, और नहीं हटते तो फिर हम इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे, और जब तक ये नहीं हटेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे।